कुरवई में आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार कुरवई आगमन पर जिला अध्यक्ष निशंक जैन और विदिशा विधायक शशांक भार्गव सर्वप्रथम तहसील कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे संयुक्त मोर्चा के सदस्यों के साथ हड़ताल में समर्थन देने पहुंचे। साथ ही उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आश्वासन दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए निशंक जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही संयुक्त मोर्चा संघ का समर्थन कर चुकी है। विदिशा में संयुक्त मोर्चा संघ के धरने में शामिल हो चुका हूं और आज यहां भी उपस्थित हूं। मेरा संयुक्त मोर्चा संघ से निवेदन है कि आंदोलन की रूपरेखा आप तैयार करो। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। विधायक शशांक भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 9 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस द्वारा विधानसभा में संयुक्त मोर्चा संघ की मांगों को उठाया जाएगा एवं उनकी मांगों को पूरा कराया जाएगा। विदिशा कुरवाई से आशीष सहले की रिपोर्ट। देखिए, हमारे नेता इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चे की हड़ताल का समर्थन किया है, उनकी मांगों का समर्थन किया, इनकी मांगों का समर्थन किया है। आप दुर्भाग्य देखिए, जिन जो दूसरों को पेंशन और बीमा की राशि उपलब्ध करा रहे हैं, वो बेचारे खुद की बीमा और खुद की पेंशन के लिए धरना दे रहे हैं। इससे बड़ा इस प्रजातंत्र में कोई दुर्भाग्य नहीं है। हम इनके साथ हैं। अगर प्रदेश सरकार इन संयुक्त मोर्चा की मांगों को नहीं मानती तो कांग्रेस उनके साथ है क्या? आंदोलन की रूपरेखा जी तय करे और कांग्रेस का किस रूप में समर्थन चाहिए, कांग्रेस उस रूप में समर्थन देने के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मोर्चे की जो भी मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं और ये मांगे सरकार को तुरंत पूरी करना चाहिए। मैं विदिशा भी संयुक्त मोर्चे के उसमें गया था और मैंने वहाँ आश्वासन दिया था कि इस बार विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगा के हम इनकी मांगों को रखेंगे। अभी 9 तारीख से विधानसभा शुरू होगी, उस दिन हम इनकी मांग को उठाएंगे। आज लगातार 9 दिन हो गए हैं मोर्चे को हड़ताल के, 10 दिन हो गए हैं, मगर सरकार द्वारा कोई भी इनकी सुन नहीं ली गई, उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है और जब तक जोर से हंटर ना लगाया जाए जब तक सुनेगी नहीं, इसलिए इन लोगों को आंदोलन का जो रास्ता अपनाया वो अपनाते रहना चाहिए और लंबा आंदोलन करना चाहिए। आप देख रहे हैं 9 महीने से 10 महीने से किसान देश के बैठे हुए हैं, इसके बाद ना मोदी सुन रहे, ना अमित शाह सुन रहे, ना पूरी पार्टी सुन रही। तो ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इसे जगाने के लिए हमारे साथियों को लंबा आंदोलन करना पड़ेगा और हम इनका समर्थन करते हैं और साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।